हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैशियरगढ़। तो हमारी क्लास सेवन्थ की साइंस का चैप्टर फोर्थ चल रहा है। चैप्टर नेम है हीट यानी कि ऊष्मा। तो इसमें हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं हीट क्या है, अलग अलग तरह के जो थर्मोमीटर हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, डिजिटल थर्मोमीटर, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। कंडक्शन क्या है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वहन। द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो जो हमने पिछला टॉपिक किया था कंडक्शन, उसमें हमने ये समझा था कि जो हीट का ट्रांसफर होता है, यानी कि हीट जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चलती है, तो वहाँ पे जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि एक जगह पे स्थिर रहते हैं। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। कन्वेक्शन के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से हीट का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, कन्वेक्शन यानी कि स्वहन। व्हेन लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड, हीट इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स। तो ये ज़्यादातर जो कन्वेक्शन है ये आपको लिक्विड्स यानी कि तरल पदार्थों के अंदर और गैसेज यानी कि गैसों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो जो लिक्विड और गैसेज होती हैं, जब वो गर्म होते हैं तो जो हीट है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज ड्यू टू कन्वेक्शन। यानी कि बेसिकली जो हीट का ट्रांसफर होता है वो यहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से होता है, और ये पार्टिकल्स की मूवमेंट तभी होती है जब क्या हो, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, या फिर एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस हो उसके अलग अलग हिस्सों के अंदर। ओनली लिक्विड्स एंड गैसेज ट्रांसफर हीट बाय द कन्वेक्शन। तो लिक्विड्स और गैसेज के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन यानी कि स्वहन की वजह से ही होता है। एयर टू इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हवा जो है वो हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं है, अच्छी चालक नहीं है। बींग ए गैस इट कैन फ्लो एंड स्प्रेड फास्ट एंड आल्सो ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। लेकिन क्योंकि हवा जो है वो एक गैस के रूप में होती है तो इसीलिए आसानी से चल सकती है और आसानी से फैल सकती है, तो इसीलिए जो हवा के माध्यम से जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। सॉलिड्स कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन बिकॉज इन सॉलिड्स दैट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजिशन। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि जो हीट सॉलिड जो होते हैं यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं। द एयर नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट्स वार्म एंड राइज अप। अब किसी भी स्रोत के पास जो कि गर्म है या जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे स्रोत के पास अगर हवा होती है तो वो हवा गर्म हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि आग जल रही है तो आग के पास की जो एयर है वो गर्म हो जाती है, तो जिससे गर्म होने से क्या है कि वो हल्की हो जाती है यानी कि लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। दिस लीव्स ए गैप विच इज़ फील्ड बाय द कोल्डर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। अब क्योंकि जो हवा गर्म हो जाती है वो उस स्थान से ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वो स्थान जहाँ से वो हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ गई है वो स्थान खाली हो जाता है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जो है वो उस तरफ आ जाती है। द कन्वेक्शन करंट द स्टार्ट इन एयर रिजल्टिंग इनटू हीटिंग ऑफ एयर। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। सम एप्लीकेशंस ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो यहाँ पे हम कुछ यूजेस देखेंगे कन्वेक्शन के। फर्स्ट है वेंटिलेशन इन रूम्स, यानी कि जो कमरे होते हैं उनसे गर्म हवा बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किस पे बेस्ड होता है, वो कन्वेक्शन पे बेस्ड होता है। वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स प्रोवाइड नियर द सीलिंग। तो आपने देखा होगा कि घरों के अंदर छत के पास छोटी खिड़कियाँ रखी जाती हैं, तो जिनको वेंटिलेटर्स कहा जाता है, तो ये क्या काम करती हैं कि जो कमरे के अंदर हवा गर्म होती है, अब क्योंकि आपको पता है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की होती है और हल्की होने के बाद ऊपर की तरफ उठती है, तो जैसे ही वो रूम के अंदर ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर की तरफ क्या लगे होते हैं, छोटी खिड़कियाँ जिनको हम वेंटिलेटर्स कहते हैं, उनके द्वारा ये बाहर की तरफ निकल जाती है। द टू मेक अप फॉर दिस फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द रूम थ्रू द डोर्स एंड विंडोज। अब क्योंकि जो हवा गर्म हो गई है वो बाहर की तरफ निकल गई है, तो कमरे के अंदर क्या है कि हवा की कमी हो जाती है, यानी कि जो एयर गैप है वो आ जाता है, तो इस एयर गैप को फिल करने के लिए फिर जो
बाहर की ठंडी हवा है वो खिड़कियों के थ्रू और दरवाजों के द्वारा अंदर की तरफ आ जाती है, तो जिससे जो रूम है वो ठंडा रहता है और एयर जो है वो रूम के अंदर फ्रेश रहती है। द कन्वेक्शन करंट सो सेट इन द एयर हेल्प्स इन कीपिंग द रूम इन द एयर इन द रूम फ्रेश। तो इससे क्या होता है कि कन्वेक्शन के द्वारा जो रूम के अंदर जो एयर है वो फ्रेश रहती है। सेकंड है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, यानी कि जिसको स्थलीय समीर और जलीय समीर कहा जाता है या समुद्री समीर भी जिसको कहते हैं। तो क्या होता है, लैंड एंड सी ब्रीजेस आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स। तो जो स्थलीय समीर या जो जलीय समीर होते हैं या समुद्रीय समीर होते हैं वो एक्चुअल में कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। क्या होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म्स अप मोर क्विकली देन द सी। अब दिन के दौरान क्या होता है कि जो धरती है वो जल्दी गर्म होती है लेकिन जो समुद्र का पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। द एयर कवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अपवर्ड। तो जो धरती के पास की जो हवा है, क्योंकि धरती जल्दी गर्म होती है दिन के दौरान, तो धरती के पास की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी। टू मेक इट्स प्लेस द एयर कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। अब क्योंकि धरती के पास की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गई है तो वहाँ पे एयर का क्या गया गैप आ गया, यानी कि हवा के लिए खाली स्थान हो गया है। तो इसको फिल करने के लिए क्या है कि समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं धरती की तरफ चलती हैं। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और जो ठंडी हवाओं का समुद्र से धरती की तरफ चलना ही क्या कहलाता है, इसको सी ब्रीज कहते हैं। आफ्टर सनसेट लैंड लूजेस हीट फास्टर देन द सी वाटर। तो सूर्यास्त के बाद जो धरती है वो जल्दी हीट लूज करती है, यानी कि जल्दी ठंडी हो जाती है, और समुद्र का जो जल है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है क्योंकि वो दिन के दौरान सूर्य की गर्मी से गर्म हुआ है। एज ए रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज वार्मर एट नाइट। तो जो हवा होती है वो समुद्र के ऊपर रात के समय गर्म होती है। द एयर ओवर द सी बींग वार्मर राइज अप एंड टू टेक इट्स प्लेस कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सी। अब जो हवा है समुद्र के जल के ऊपर वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के साथ ऊपर की तरफ उठती है और समुद्र के जल के ऊपर क्या बनाती है एक, अब क्योंकि हवा ऊपर उठ गई है तो वहाँ पे एक एयर गैप बन जाता है, यानी कि वहाँ पे एक खाली स्थान रह जाता है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो धरती की तरफ से ठंडी हवाएं होती है वो समुद्र की तरफ चलती हैं। तो इसी को कहा जाता है लैंड ब्रीज, यानी कि जो हवाएं ठंडी हवाएं धरती से समुद्र की तरफ चलती हैं उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, और अगर समुद्र से धरती की तरफ चलती हैं तो उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। ये मेन रीज़न क्या है इसका, मेन रीज़न है कि किसी एक स्थान की जो हवा है वो वार्म अप होती है यानी कि गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, और उसकी जगह पे लेने के लिए जहाँ क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठेगी तो वहाँ का स्थान खाली हो जाता है, तो उस खाली स्थान को उस एयर गैप को फिल करने के लिए जो कूलर एयर है वो किसी दूसरी जगह से उस तरफ बहती है। तो डिपेंड करता है कि वो हवा किस तरफ से किस तरफ चल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको सी ब्रीज या लैंड ब्रीज कहते हैं। तो आज का जो हमारा कन्वेक्शन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, कल हम करेंगे रेडिएशन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।